तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ एक गांव में जिसका नाम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिसका नाम क्या था गांव? ठटियाली बंगला। ये हमारे तैयब भाई हैं और ये हमें यहाँ, मतलब इन्होंने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ आए हैं। तो हेलो करते हैं। हेलो, कैसे हैं? और ये मेरे नाना जी हैं। नाना जी हेलो कर दो। हेलो जी, हेलो। और यहाँ जो है पीछे जो है ना, ये व्यापारी गाय भैंसों का सौदा वगैरह हो रहा है। और तब तक मैं आपको ये सारा विजिट करवाता हूँ। यहाँ जो है ना, यहाँ जो गाय भैंसों का चारा जो है ना, यहाँ काटा जाता है और ये उनका खाना वगैरह, और ये भी खाना ही है। फिर मैं आपको बफलोस दिखाता हूँ। ये देखें, ये है गाय, अभी डर रही हैं, पता नहीं क्यों। देख रहे हैं आप, ये एक हवेली है, वो तैयब भाई की हवेली है। और वो पीछे छोटे छोटे भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, अभी हम जा रहे हैं इधर, जो जगह है वो तैयब भाई हमें विजिट करवा रहे हैं। वो देख रहे हैं भाई, तभी मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी लगा ना गाइस, ये वाटरमेलन है जो कि गर्मियों में आएगा। ये सारा गाइस वाटरमेलन लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। गाइस आपको खाता हूँ अभी ना, इनके अंदर ना है क्या, मतलब आपको ये सारा मैं व्यू करवाता हूँ। तो वो भी ऐसे के ये देख, वो देख रहे हैं आप जो छोटे छोटे निकले हैं वो गाइस, वो सारे वाटरमेलन के छोटे छोटे पौधे हैं। आई रियली एंजॉय दिस गाइस। और यहाँ से गाइस ये जो है, ये यहाँ से पानी इनको मिलता है। ये पीछे नहर भी है और नहर से पानी सारा यहाँ इनको सारा। धूप भी निकली हुई है, ऊपर से सर्दी है ना, तो गाइस सर्दियों में धूप निकले तो और ज़्यादा समय लेके सोने पे सुहागा। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर प्लास्टिक है इनका रीज़न क्या है। गाइज ये जैसे ही सूरज की जो शवाएँ हैं इनके ऊपर जैसे ही पड़ती हैं, तो गाइज इसके अंदर इतना कूल टेम्परेचर जो है वो बिल्ड होने लग पड़ता है कि जो सीड्स हैं वो समझ ले कि जर्मिनेशन का प्रोसेस होने लग पड़ता है, और जो वाटरमेलन है वो वक्त से पहले ग्रो हो जाते हैं और मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। गाइज बहुत खूबसूरत गाँव है ये, और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वाटरमेलन की गाइस ये तैयब भाई ने ही की है। नाना जी हेलो कर। हेलो, वो डाल के सीधा अंदर चला गई। The next day. तो फाइनली गाइज अभी मैं घर आ चुका हूँ, और अभी जो है मैं एंड शॉट ले रहा हूँ जो कि मुझे वहाँ लेना चाहिए था, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने लगा तो देखा तो एंड शॉट है ही कोई नहीं। तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा, और एक बात मैं गाइज और कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो जो ट्रिब्यूट टू लता है, और उसके ऊपर गाइस मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया, इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मैं बता नहीं सकता, मेरी खुशी का एंड हो गया। तो गाइस इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।